नमस्कार दोस्तों, यश डेटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का यश डेटा न्यूज चैनल में। चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज दिन भर की खेल समाचार में। तो पहली खबर आ रही है रविचंद्र अश्विन के खेमे से। तो रविचंद्र अश्विन इंग्लैंड में है और टीम इंडिया की बात करूँ तो टीम इंडिया इंडिया और इंग्लैंड का दौरा अगले महीने से शुरू करने वाले हैं और इससे पहले रविचंद्र अश्विन काउंटी क्रिकेट खेल रहे। आपको बता दूं सरी वर्सेस समरसेट के बीच में एक काउंटी मैच था जिसमें रविचंद्र अश्विन ने पार्ट लिया और रविचंद्र अश्विन की बात करूँ तो पहली इनिंग में रविचंद्र अश्विन ने एक विकेट लिए, वही दूसरी पारी की बात करूँ तो दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। दूसरी पारी में रविचंद्र अश्विन ने 15 ओवर डाले जिसमें 27 रन देके 6 विकेट लिए। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है श्रेयस अय्यर से। तो श्रेयस अय्यर ने अपने हाल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करके कह दिया है कि वो वापस आने वाले हैं, वो कभी भी टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं। आपको बता दूं श्रेयस अय्यर इंग्लैंड दौरे में इंजर्ड हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली गई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था, उसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था उसमें भी वो नहीं थे। और वही बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की तो दिल्ली कैपिटल्स में भी वो इस साल कप्तानी नहीं करे, इस साल कप्तानी ऋषभ पंत ने की थी। तो श्रेयस अय्यर ने दावा कर दिया है कि वो अभी ठीक है और श्रेयस अय्यर कभी भी आपको ब्लू जर्सी में दिख सकते हैं और आने वाले आईपीएल में भी वो खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं अभी तीसरी बड़ी खबर से। तो तीसरी बड़ी खबर आ रही है 100 टूर्नामेंट की। 100 टूर्नामेंट के बारे में पहले भी बता चुका हूं, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे लेजेंड्स प्लेयर खेलने वाले थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब प्लेयर्स अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। पहले केन विलियमसन और शाहीन अफरीदी ने अपना नाम विड्रॉ किया, पर अब करण पोलार्ड और एंड्रे रसल ने भी नाम अपना विड्रॉ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने भी अपना नाम विड्रॉ कर दिया है। और आपको बता दो ऑस्ट्रेलिया के कई सारे क्रिकेटर्स ने भी अपना नाम विड्रॉ कर दिया है। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं चौथी बड़ी खबर पे। तो चौथी बड़ी खबर है बीसीसीआई आज एक ऐसी लिस्ट तैयार करेगा जिसमें कौन से फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल में दिखेंगे। आपको बता दूं बीसीसीआई ने कहा कि ऑन 15 जुलाई बीसीसीआई विल गिव फाइनल रेटिफाइड फॉर फॉरेन प्लेयर्स टुडे। मतलब एक ऐसी लिस्ट तैयार करेंगे बीसीसीआई जो कौन से फॉरेन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से कौन से प्लेयर्स खेलेंगे आईपीएल में, बांग्लादेश से कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, श्रीलंका के कौन से प्लेयर्स खेलेंगे। आपको बता दूं बांग्लादेश पहले ही बोल चुका है कि हम अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे आईपीएल खेलने के लिए। वही ऑस्ट्रेलिया खेमे की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन खेमे से सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नजर आएंगे आपको इस साल आईपीएल में, पर पैट कमिंस का अब तक कोई लीगल स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर कोई लीगल स्टेटमेंट आता है पैट कमिंस का तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं पांचवी बड़ी खबर पे। तो पांचवी बड़ी खबर है ब्रैड हॉग ने अपने हाल ही इंटरव्यू में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ब्रैड हॉग कहते हैं कि एबी डिविलियर रिटेंशन डिसीजन टोटली ऑन हाउ लॉन्ग ही विल प्ले। तो आरसीबी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि एबी डिविलियर्स को रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगले साल मेगा ऑक्शन में, क्योंकि आपको बता दूं अगर एबी डिविलियर्स को अगर रिटेन करते हैं तो आरसीबी को अपने प्रमुख गेंदबाज यजुवेंद्र चाल, हर्षल पटेल या फिर नवदीप सैनी और देवदत्त पडिकले को छोड़ना पड़ेगा। अगर एबी डिविलियर्स अगर 3-4 सालों के बाद रिटायर हो जाते, सपोज एबी डिविलियर्स 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और यजुवेंद्र चाल और देवदत्त पडिकले एक ऐसे प्लेयर है जो अभी से आराम से 6 या 7 साल आईपीएल खेल सकते हैं, बट एबी डिविलियर्स को अगर रिटेन करती है आरसीबी तो यजुवेंद्र चाल, हर्षल पटेल या देवदत्त पडिकले को छोड़ना पड़ेगा आरसीबी को। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है ब्रैड हॉग ने दिया कि एबी डिविलियर्स कब तक खेलेंगे, अगर एबी डिविलियर्स को रिटेन करते हैं क्या एबी डिविलियर्स लंबे समय तक खेल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं छठी खबर पे और आखिरी खबर पे। तो ये खबर आ रही है बाबर आजम यानी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सबसे तेज 14 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली का था और ऐसा माना जा रहा है विराट कोहली और इनके बीच में बहुत बड़ी टक्कर है। फैंस लगातार कह रही है कि कौन ज्यादा अच्छा क्रिकेटर है, क्या बाबर आजम अच्छा क्रिकेटर है या विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है। आपको बता दूं बाबर आजम की सेंचुरी पाकिस्तान के होम मैचेस में आई है, जैसे कि जिम्बाब्वे हो गई या बांग्लादेश हो गई या वेस्ट इंडीज हो गई। वही विराट कोहली की मैं बात करूं तो विराट कोहली की सेंचुरी जो 14 सेंचुरी स्टार्टिंग की 14 सेंचुरी है वो श्रीलंका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गए, ऐसे ऐसे टीमों के सामने विराट कोहली ने स्कोर किया था। तो क्या है आपकी राय इस वीडियो को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। यश डेटा न्यूज से मैं विशाल मुकेश अंबानी।